नमस्कार, आप हैं द खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं बेत। विदिशा जिले के लटेरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार्रवाई के दौरान 3 लाख से अधिक की चोरी के माल के साथ आरोपी हुए गिरफ्तार। विदिशा की लटेरी पुलिस ने चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे 3 लाख से अधिक चोरी का माल बरामद किया गया है। 18 जून को आरोपी ने एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे दिन ही किराने की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने 4 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। विदिशा पुलिस अधीक्षक विधायक वर्मा के निर्देशन में लटेरी SDOP एवं लटेरी थाना प्रभारी नितिन पटेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में सफलता हासिल की है। वही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस घटना में कौन कौन लोग और शामिल है। चोरी की गई 4 बाइक सहित किराने का माल पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद कर लिया गया है। दिनांक 16/17 की रात में लटेरी कस्बा में मुख्य मार्ग पर अमन किराना स्टोर पर रात्रि में खतर के नट खोल कर एक व्यक्ति द्वारा जो है चोरी की गई। रात्रि में हमारे रात्रि कस्ब के जो कर्मचारी कर्मचारी तथा अधिकारी ऐसे ही जाटव था और उनके हमारा जो बल था, जब ये खानावान से कस्ब कर रहे थे तो इनको उस व्यक्ति द्वारा जो है मोटरसाइकिल पर चुराया गया माल लाद कर वो भागने लगा, तो इनके द्वारा पीछा किया गया, इसे मकसूदनगढ़ स्टोर पर जाकर पकड़ा गया। पकड़ने में जो है एक मोटरसाइकिल तथा चुराया गया किराना का सामान जिसकी कीमत 42,000 रुपये अपाचे मोटरसाइकिल की है तथा 50,000 का किराना सामान रिकवर किया गया। पश्चात इस अपराध में थाना प्रभारी श्री नितिन पटले द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपी दीपक विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा निवासी पंडापुरा लटेरी से और आगे वाहन चोरी के संबंध में पूछताछ की गई तो उक्त आरोपी द्वारा 3 वाहन और चोरी करना स्वीकार किया, जिसमें एक विजयनगर इंदौर का मोटरसाइकिल है जो नवंबर 2019 को चोरी की गई थी, दूसरी मोटरसाइकिल थाना शमशाबाद के हिलोतिया माली ग्राम से चुराई गई थी तथा तीसरी मोटरसाइकिल राघोगढ़ से चोरी किया था।